The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Yes, asthma is very dangerous. It is a life-threatening situation and acute severe asthma is called status asthmaticus. ये status asthmaticus क्या है, कैसे होता है और ये कितना dangerous है, इसके बारे में आपको आज हम बताएंगे। ये एक सीवियर फॉर्म है एस्थमा का, जो एक हर एक पेशेंट को जब भी कोई ट्रिगर क्यों कारण होगा, बहुत ज़्यादा लेवल पे आएगा एस्थमा का अटैक, तो ऐसा होता है। सो status asthmaticus इज अ रेस्पिरेटरी फेलियर, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल होगा, राइट और ये आएगा एक्यूट सीवियर एस्थमा अटैक से, बेसिक बड़ा अटैक आ रहा है और अटैक जल्दी भी आ सकता है और इतनी जल्दी आ सकता है कि आपका जो रेगुलर ट्रीटमेंट, आपके पास जो पंप है एस्थमा की, जो दवा है, दोज विल नॉट वर्क। सो योर मेडिसिंस माइट नॉट वर्क इन स्टैटस एस्थमेटिकस एंड कैन लीड टू यू नो लॉन्ग स्टैंड, मतलब स्टैटस एस्थमा कंटिन्यूअस ब्रीदिंग, सांस ही नहीं आ रही। सो यू आर नॉट एबल टू ब्रीद, नाउ दैट इज अ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन। आपकी सांस नहीं आ रही है तो यू कैन डाई, आप मर, ओके आप लिटरली यू कैन डाई, मर सकते हो। सो फॉर दैट अगर ऐसा होता है, यू विल हैव टू रश टू, दौड़ना हॉस्पिटल के लिए, दौड़ के जाना पड़ेगा और जाते हुए आप अपना इनहेलर, अपना नेबुलाइजर लेके जा सकते हो, लेकिन अगर वो काम नहीं करता है देन यू हैव टू रश टू अ हॉस्पिटल। एंड अगर आपके पास कोई स्टीरॉयड मेडिसिन दी हुई, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ स्टीरॉयड एट होम सच एज प्रेडनिसोलोन और एनीथिंग व्हिच इज गिवन बाय योर डॉक्टर फॉर योर एस्थमा, देन यू कैन टेक दैट before or during when you go to a hospital. Now that can give you a little edge, थोड़ा सा time देगा वो, or else अगर hospital बहुत दूर है दिक्कत हो जाएगी। Now that's a life threatening situation, सांस नहीं आना, patient can become unconscious, बेहोश हो सकते हैं इस such type की situation में, क्योंकि basically सांस की नलियाँ बंद हो गई हैं, almost बंद हो गई, सांस ही नहीं आ रहा, you will be like and all that thing, right? So it's very serious and जिनको एस्थमा है उनके पास जो ट्रीटमेंट है कई बार वो मैनेज कर लेता है, लेकिन उनको इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उनको एक एक्शन प्लान बनाना पड़ता है अपने डॉक्टर से बैठ के, कि पहला ट्रीटमेंट ये होगा, वो नहीं काम किया तो ये होगा, वो नहीं काम किया तो ये होगा, तो दे हैव टू मेक अ लेवल ऑफ प्लान्स फॉर द एस्थमा मैनेजमेंट डिपेंडिंग अपॉन द ट्रिगर्स। जितना बड़ा ट्रिगर उतना बड़ा अटैक, इट्स वेरी सिंपल, राइट। इवन नॉर्मल पीपल कैन हैव अ कफ एंड ब्रोंकोस्पाज्म इन यू नो, अगर आग लग जाए, स्मोकी रूम है देन, और एस्थमा वालों को तो सीवियर अटैक आ जाएगा। सो दैट्स वन इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू हैव एस्थमा एक्शन प्लान डिस्कस विथ योर डॉक्टर। रिमेंबर स्टिल एस्थमा का सीवियर अटैक स्टैटस एस्थमेटिकस हो सकता है, इट कैन हैपन एंड यू हैव टू गो टू एन एमरजेंसी, राइट। आपको याद रखना है उसमें क्या सिम्टम होंगे, सीवियर एस्थमा के सिम्टम क्या होंगे। ऑब्वियसली शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इज देयर, यू हैव दैट सिम्टम, आप बोल नहीं पाओगे, यू कैन नॉट स्लीप, यू कैन नॉट स्पीक अ फुल सेंटेंस, आप बोलते बोलते ही सांस फूल जाएगा, ये पूरा सेंटेंस नहीं बोल पाओगे, दैट्स अ बिग साइन। फिर ब्रेथलेसनेस आएगा जब भी आप लेट भी रहे हो तब भी, और चेस्ट फील करे, टाइट फील होगी, चेस्ट टाइटनेस, देयर विल बी ब्लूइश टिंग टू योर लिप्स बिकम्स ब्लूइश एंड यू फील एजिटेटेड, कन्फ्यूज्ड, यू माइट नॉट बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट, आपका कॉन्सेंट्रेशन प्रॉब्लम कम, आपके शोल्डर हंच होंगे, मसल्स आपके स्टमक और नेक की स्ट्रेन होगी, ऐसे ऐसे स्ट्रेन करके आप सांस लोगे, सो यू विल बी स्ट्रेनिंग योर एक्सेसरी रेस्पिरेटरी मसल्स एंड देन यू विल फील द नीड टू सिट और स्टैंड अप टू ब्रीद मोर इजीली, आप बैठ या खड़े होके बोलोगे कैसे करूँ क्या करूँ, सो यू विल बी लाइक वेरी वेरी रेस्टलेस, सो दैट इज स्टैटस एस्थमेटिक, दैट्स अ सीवियर एस्थमा अटैक। सीवियर एस्थमा अटैक ये है, और स्टैटस एस्थमेटिक मतलब जो आपकी दवाई लेने के बाद भी कम नहीं हो रहा, कंटिन्यूसली चल रहा है, नाउ दैट इज स्टैटस एस्थमेटिकस, राइट। और सो आपका क्या होगा, जो भी आपकी स्नीजिंग है, कफिंग है, राइट, वो जरूरी नहीं है कि वो वर्स हो जाए, राइट, सांस फूलेगा वो, दैट इज वन थिंग, बट सीवियर एस्थमा में आपको हवा ही इतनी नहीं मिलती है कि आपकी स्नीज या
स्नीज की साउंड या कफिंग की साउंड आए, ये याद रखिए। तो सिवियर एस्थमा इस तरीके का इज़ वेरी वेरी डेंजरस। ज़रूरी नहीं आपको खांसी आए भी, हो सकता है सांस ही अंदर नहीं जा रही है एंड टाइम वेस्ट करने पे यू कैन गो अनकॉन्शियस, राइट। सो इसके कारण नॉर्मली एस्थमा अटैक इज मोर लाइकली इफ यू डोंट गो टू अ डॉक्टर और रेगुलरली, और आपका एस्थमा कंट्रोल में नहीं है, चेकअप नहीं हो रहा है, पता ही नहीं है अंदर क्या चल रहा है। सो ऑलरेडी एक एस्थमा का अटैक चल रहा है, ऊपर से कोई ट्रिगर आ गया, फक से बंद सारा कुछ, एवरी सिस्टम शट्स डाउन। सो इफ यू आर नॉट गोइंग फॉर रेगुलर फॉलोअप्स देन देर इज वन इशू, देन देर इज अ लॉट ऑफ ट्रिगर्स। इफ कोई भी ट्रिगर है, वॉट एवर ट्रिगर यू हैव, मे बी डस्ट, मे बी पोलन ग्रेन्स, मे बी सम एनिमल डेंगर, मे बी एनीथिंग, राइट, वॉट एवर द ट्रिगर इज देयर फॉर यू, अगर वो बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके आप एक्सपोज हो जाते, फिर एक्सपोज इन अ लार्ज अमाउंट, देन यू विल हैव दैट स्टेटस एस्थमेटिकस टाइप ऑफ एक्यूट सिवियर एस्थमा। एंड इफ यू डोंट यूज योर एस्थमा मेडिसिन्स करेक्टली, येस देर आर पीपल हु डोंट नो हाउ टू यूज एयर एस्थमा मेडिसिन, सही से यूज इस्तेमाल नहीं करते एस्थमा की दवाएँ, राइट। इसी के लिए एस्थमा के पंप्स को उसके के बीच में स्पेसर आता है, बिकॉज उसको मारना है, मुंह के अंदर छिड़कना नहीं है, वो मार के सांस अंदर लेनी होती है, तो दैट तालमेल है, और हर कोई नहीं कर पाता, इसलिए बीच में स्पेसर होता है, स्पेसर में मारो, स्पेसर में फिर वो आ जाती है और फिर उसको सूंघ लो, बेसिकली दैट इज़ हाउ दैट गोज। सो ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है, फॉलोअप्स, ट्रिगर्स अवॉइड करना, और दवा सही तरीके से लेना, सही वक्त पे लेना। ऐसे इंडिया में तो काफ़ी सारे लोग हैं जो दवा मिस कर देते हैं, बंद कर देते हैं खुद की मर्जी से, भाई हम ठीक हो चुके हैं, हमारा अस्थमा ख़त्म, राइट, बस फिर ट्रिगर आता है, वेर एवर द ट्रिगर कम्स देयर इज बैक टू द पविलियन, अस्थमा वापस। एनीवेज, सो हाउ टू डायग्नोस स्टेटस एस्थमेटिकस, स्टेटस एस्थमेटिकस के लिए आप थक जाओगे ब्रीदिंग करते करते, दैट इज वन डायग्नो, वन थिंग टू डायग्नोस, एंड द योर रेगुलर मेडिसिन जो है वो काम नहीं करेंगी। फटीग आ गया, देर इज फटीग, योर पल्स रेट विल गो वेरी हाई, एंड योर सैचुरेशन, ऑक्सीजन सैचुरेशन इन योर ब्लड, जो आप फिंगर पे लगा पे देखते हो, घर पे भी कई लोग देखते हैं पल्स ऑक्सीमीटर से, दो डैट गोज डाउन, वो नीचे जा रहा है, दैट मीन्स आपका स्टेटस एस्थमेटिकस हो रहा है, एक्यूट सिवियर एस्थमा है, गुड और इमरजेंसी रश। ट्रीटमेंट क्या होगा ड्यूरिंग दैट एक्यूट इमरजेंसी, फर्स्ट सिम्टम जैसे ही दिखता है आप डॉक्टर के पास भागोगे, अगर आपके सिम्टम सिवियर है आप डॉक्टर के पास जाओगे तो आपको सीधी सीधी बात है नेबुलाइजर, स्टीरॉइड्स और इवन एपिनेफ्रिन दिया जा सकता है। एपिनेफ्रिन एक तरीके का एंटी एलर्जिन एलर्जिक मेडिसिन होता है, जो कि सूजन और रिलैक्स, सूजन और जो स्वेलिंग होती है आपके सांस की नलियों में वो कम करता है, रिलैक्स करता है उनको, सो यू गेट अ रिलीफ, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं रिलैक्स करने के लिए, नेबुलाइजेशन से, राइट, इंजेक्शन से, दोनों से दिए जा सकते हैं, और आपको इवन ब्रोंकोडायलेटर्स, टर्बुटालीन, एस्थालीन, उनके इंजेक्शंस या नेबुलाइजेशन से, सांस से या इंजेक्शन से दिए जाते हैं। एंड देर इज मैग्नीशियम सल्फेट कैन ऑल्सो बी गिवन टू हेल्प रिलैक्स योर मसल्स ऑफ द एयरवेज, मैग्नीशियम सल्फेट दिया जाते हैं। और अगर मेडिसिन भी काम नहीं करती है, येस देर आर सिचुएशन जहाँ कुछ भी करो सांस की नली खुलती नहीं है, बंद हो गई है, अटक गई है, वट एवर द केस मैट बी, इफ द मेडिसिन आर नॉट वर्किंग देन द पेशेंट, उनको मैकेनिकल वेंटिलेशन पे डालना पड़ता है, आपको वेंटिलेटर पे डालना पड़ सकता है, इंट्यूबेट करना पड़ सकता है, उसमें सांस की नली में ट्यूब डाली जाती है एंड वेंटिलेशन सांस की मशीन पे डाल दिया जाता है, सो दैट टाइम मिले आप ब्रीद कर पाओ, आप बेहोश ना हो जाए, आपके वाइटल ऑर्गन्स को, ब्रेन को, लंग्स को, ब्रेन को, किडनीज को, इनको खून मिले, और एल्स ब्रेन सेल्स स्टार्ट्स डाइंग विद इन फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनट में अगर उनको ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया पूरा कंप्लीटली, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, दैट्स वाई आपका कॉन्शियसनेस कम हो जाता है, सो दैट्स वाई टाइम वेस्ट नहीं करना है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड जो भी आपका एलर्जन है, इफ देर इज समथिंग ऑन यू, फेस पे डस्ट लगी है, धूल लगी है, दैट हैज टू बी रिमूव्ड, सो दैट एलर्जन निकले, खत्म हो, कपड़े बदलने, एंड वट एवर यू कैन डू टू रिमूव द एलर्जन हैज टू बी डन ड्यूरिंग दैट टाइम। सो दिस इज द मैनेजमेंट, एंड देन ऑब्वियसली अदर मेडिसिन, विल बी डिस्कसिंग मेडिसिन इन द नेक्स्ट पार्ट, और प्रिवेंशन, सी टेक योर मेडिसिंस प्रॉपरली एज डायरेक्टेड बाय योर डॉक्टर, गो एंड शो देम हाउ यू टेक इट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन यूज योर
you know, medicines on time, and thirdly, go for regular health, regular checkups, and identify your triggers. आपको अपने trigger पहचानने होंगे, सही time पे doctor के पास जाना है, सही time पे दवा लेनी है, और regular test, even if you think कि आपका asthma ठीक हो गया है, भाई test करा लो, क्या करा लो? Pulmonary function test करा लो, साल में, दो साल में एक बार, आपका chest x-ray करा लो, या simple pulmonologist के पास जाके मिल लो. So this is not a big deal, है कि नहीं? इतना करने से आपका इस तरीके के problems prevent हो सकते हैं. So that's all about severe acute, severe asthma attack, status asthmatic up. Hope you understood, and do let me know if you have any questions. Right? So I'm Dr. Paramjit, right?